प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचे। यहां प्रसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं डुमरियागंज चौराहे पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा। तो वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के साथ प्रसपा होगी उसी की सरकार बनेगी। और हमारा नगर की समस्त जनता से है कि आप जब से मैदान है, जब से नगर पालिकाएं बनी है, इसमें विकास प्रदर्शन दिले है। हम तो हमारी जनता ये समझ में है कि होगा और नहीं होगा तब भी जहाँ प्रगति समाजवादी पार्टी होगी। मैंने कई बार बोल दिया है कि किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी से, सेकुलर पार्टी से, और हमने तो ये भी कहा गांधीवादी सब लोग इकट्ठे हो जाएं, लोहियावादी सब इकट्ठे हो जाएं, चौधरी चरण सिंहवादी सब इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। मैंने कहा, आज से नहीं कहा, मैं 6 महीने से कहा कि मैं इन्हें मिला करके जहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी, अब की बात सरकार वहीं होगी।